हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं और हम जैसे जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर लें यहाँ पे, अगर आप सिंपल व्लॉग्स दिखाते हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे कामयाबी नहीं पा सकते। जब तक आप कोई भी घर का मुद्दा ना ले आएँ, कोई भी परेशानी ना दिखा दें, कोई भी अपने हस्बैंड वाइफ की कोई भी लड़ाई झगड़ा है, घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा है, सास का, ननद का, ससुर का, किसी भी चीज़ का, जब तक आप वाईटी पे लेके नहीं आएंगे, या आपको कोई भी बीमारी है या नहीं भी है, जब तक आप उसका यहाँ पे बखान नहीं करेंगे, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप यहाँ पे आके नहीं बताएंगे, वो भी बढ़ा चढ़ा के, आज मैं डॉक्टर पे गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो जब तक ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं लाएंगे, या फिर आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, जब तक वो वाईटी पे आप नहीं बताएंगे, तब तक आप कामयाबी नहीं पा सकते। क्योंकि यहाँ पे अब वाईटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। 2-3 साल पहले तक वाईटी कुछ और थी, यहाँ पे कुछ सीखने का, सिखाने का दिखाया जाता था, लेकिन अब उससे भी आगे है। अब आप सीख सकते हैं, घर में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वो वाईटी पे बताओ, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप वाईटी पे बताओ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो आप वाईटी पे बताओ, अगर आपके पति का झगड़ा हो गया और आप माँ के पास जाके रहने लगे हैं तो वो वाईटी पे बताओ। तो ये सारी चीज़ें अब वाईटी पे सिखाई जा रही हैं और बहुत अच्छे से लोग सीख भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। क्योंकि एक यूट्यूबर के साथ, चलिए मैं मानती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी है, A to Z कुछ भी है, अगर वो अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रही है तो पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो आप डेली का भी अगर ब्लॉग दिखा रहे हैं तो आपको हंसी खुशी दिखाना चाहिए, मतलब चाहे कुछ भी दिक्कत चल रही है, ये नहीं कि भाई आप फिर जब बहुत चीज़ें आप दिखा देते हो जो नहीं दिखाने की होती, फिर आपके पास जब कोई क्वेश्चन आता है, फिर आप कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ है, हम सारी चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकते। तो भाई जब आप जो चीज़ें नहीं बताने की हैं वो भी आप यहाँ पे बता रहे हैं, फिर आपका पर्सनल रह क्या गया। जब पब्लिक और चीज़ें जानना चाहती है और डीपली उस चीज़ को सुनना चाहती है, देखना चाहती है, फिर आप उनको बताते नहीं हैं, फिर आप रखते हैं सस्पेंस। फिर अगर कोई निगेटिव कमेंट आ जाए या कुछ बोल दे तो आप फिर से भड़कीला सा एक वीडियो बनाते हैं, शर्म आनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डूब मरो, अरे भाई शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए, डूब तुम लोग मरो, क्योंकि या तो तुम लोग इस चीज़ को बताओ मत, और बताना है फिर जब कोई पूछता है तो उसको पर्सनल मत बोलो कि भाई हमारी पर्सनल लाइफ है। भी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, और अभी भी चल ही रहा है, प्रेग्नेंट, फिर थोड़ा बीमारी का चला, फिर अब डिवोर्स, मेरे पति से झगड़ा और मेरे पति से बन नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं वाईटी पे, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को तमाशा देखना है, लोगों को ड्रामा देखना है, लोगों को थोड़ा सा मसाला चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जिन जिन यूट्यूबरों ने ये चीज़ें दिखाई हैं, बहुत अच्छे से उनकी फैमिली उनके साथ मिली रहती है, बहुत अच्छे से उनके हस्बैंड उनके साथ मिले रहते हैं। नहीं तो आप खुद ही बताइए कि जो हस्बैंड हर वक्त आगे पीछे घूमता रहता है, बिल्कुल मतलब जैसा कह दिया दिन को अगर रात कहेंगे तो रात ही कहेगा, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा करने से पैसे आ रहे हैं, तो उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे दिखाते हो, बताते हो, फिर कमेंट्स आते हैं, तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और वो कुछ ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर वो इतना ही ख़राब है तो पहली बात तो वो ऑब्जेक्शन उठाएगा कि मेरे बारे में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। और अगर वो इतना ही अच्छा है तो वो फिर भी आके ये चीज़ तो बोलेगा कि भाई यार जब मैं इतना अच्छा हूँ तो फिर आप मेरे लिए गलत क्यों बोल रहे हो। तो दोनों ही चीज़ें हैं, हस्बैंड पूरे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिले रहते हैं, तभी वाइफ जो है बहुत अच्छे धड़ल्ले से, मतलब उनकी धज्जियाँ उड़ा देती है आराम से, और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब ये काफ़ी टाइम तक ये खेल ऐसे ही चलता रहता है, बेचारे जो व्यूवर्स हैं वो दुआ देते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, वो तो ऐसे नहीं थे, और दीदू सोच समझ के कदम उठाना, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। फिर कुछ टाइम बाद जब बहुत अच्छे व्यूज़ ये खींच लेते हैं, बहुत अच्छे इनके पास पैसे आ जाते हैं, फिर ड्रामा चलता है कि वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया है और मेरे उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है और उन्होंने अपनी गलती मान ली है, हम दोनों फिर से एक होने हैं।
तो ऐसे ही हमारी एक आई है, मैंने अभी तक इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि भाई आप इनके ऊपर बोलिए, इनके ऊपर बोलिए, तो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पर्सन है वैसे, और ये व्लॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनाती हैं। और हाल ही में इन्होंने भावज की हेल्प की थी कुछ टाइम पहले, जो कि भावज यहाँ से पहुँच गई हैं वहाँ, जो कहती हैं कि मैं कोई तिकड़मबाजी नहीं लगाती हूँ और मैं कोई वो चीज़ें नहीं करती हूँ, शॉर्टकट नहीं अपनाती हूँ। तो तिकड़मबाजी प्रमोट होने के बावजूद भी खूब लगाई गई हैं टाइटलों में, थंबनेल में, और उसके बावजूद जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट यही है टाइटल का, थंबनेल का, और दूसरा अपने जो ससुराल वाले हैं उनकी कैसे भी करके मतलब बुराई करने का, तो ये शॉर्टकट ही है जो आप निकली हैं आगे। और वो भी उसके बावजूद कि आपकी इतनी हेल्प की गई कि किसी ने प्रमोट कर दिया सीधे, उसके बावजूद हेल्प मिलने के बावजूद दिमाग से काफ़ी तिकड़मबाजी लगाती हैं कि मैं क्या लिखूँ इसमें जो व्यूज़ आ जाएँ, मैं इसमें ऐसा क्या दिखाऊँ जिसमें व्यूज़ आ जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उनका नाम ज़्यादातर सब उनको जानते ही हैं, और टिव्या जी करके मैं बात कर रही हूँ, आप समझ जाना। तो अभी जब से मैं इनके व्लॉग्स देख रही हूँ, मैं उनकी हेल्प करी थी थोड़े बहुत मैंने बीच में देखे, तो इनके व्लॉग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं किसी भी चीज़ में बुराई नहीं करूँगी, रेसिपी भी अच्छी दिखाती हैं, घर की साफ़ सफाई भी अच्छी दिखाती हैं, लेकिन हाँ ये शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ये भी खेलती हैं, एक जगह इनका जी नहीं लगता, तो उसमें जैसे ये आज गई हैं बहुत अच्छे से फ्लैट वगैरह देख के आती हैं, रहती हैं, फिर कहती हैं नहीं यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ पे वो चीज़ ठीक नहीं है, तुरंत चेंज कर देती हैं। तो इनके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो इनकी काफ़ी छोटी सी फैमिली है, एक इनकी छोटी सी बेटी है, मियाँ बीवी हैं, और इनके साथ में रहती हैं मदर। तो अभी वो ज़रा दूसरे फ्लैट में रह रही है, नहीं तो इनके साथ ही रहती थी ज़्यादातर। तो ये इनकी छोटी सी फैमिली है, और ये भी ससुराल से अलग रहती हैं, कभी भी ससुराल में ये नहीं रही हैं और ना ही वो लोग आते जाते हैं। इनके जो हस्बैंड हैं काफ़ी अच्छे हैं, केयरिंग हैं, ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, और तो और जब इनकी मदर साथ रहती हैं, ये देखिए एक बेटा बन के उनको रखा हुआ है, जबकि देखने को मिला है कि इन्होंने तो बहू का कोई फ़र्ज़ निभाया या नहीं निभाया, लेकिन हाँ इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने दामाद के साथ एक बेटे का फ़र्ज ज़रूर निभाया है, और बहुत अच्छे तरीके से वो केयर करते हैं, जैसा ये कह दें वैसा ही वो करते हैं, दिन को रात कह दें तो रात ही कहेंगे, कहीं चलना हो कोई भी टाइम हो हर वक्त ड्राइवर बन के रेडी रहते हैं, कुछ सामान लेना हो, कुछ करना हो, खाना पीना हो, घुमाना फिराना सब काम वो करते हैं। और तो और इनके किसी भी चीज़ में रोका टोकी नहीं है, इनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, बहुत हैप्पी ये रहती हैं पूरी फैमिली इनकी। हाल ही में ये जल्दी कहीं ना कहीं घूमने जाते ही रहते हैं, जैसे शिफ्टिंग करते रहते हैं ऐसे ही घूमने भी जाते रहते हैं, के कामों में भी इनके हस्बैंड जो है काफ़ी हेल्प करते हैं, मतलब कुल मिला के कहा जाए कि बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो कहा जा सकता है कि इनके हस्बैंड जैसा ही दामाद मिलना चाहिए सबको, और इनके हस्बैंड जैसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए सबको, वो सारी क्वालिटीज़ इनके हस्बैंड में हैं। और अभी हाल ही में ये गई हैं आगरा घूमने, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत छोटी सी स्विमिंग की ड्रेस पहनी है, आप देखना इनके व्लॉग्स जाके, और वो स्विमिंग की ड्रेस पहन के इन्होंने काफ़ी अच्छे से इंजॉयमेंट किया है, पानी में स्विमिंग करने की कोशिश करी है बहुत अच्छे से, मतलब इंजॉय पूरा इंजॉयमेंट जिसे कहते हैं, और उसके पहले भी इन्होंने शॉर्ट्स पहनी है वहाँ पे। तो देखिए मैं किसी के कपड़ों पे तो नहीं बोलूँगी कुछ भी, लेकिन हाँ मैं इनके जो विचार हैं, इन्होंने जो कमेंट्स के ज़रिए कुछ बातें बोली हैं उसके लिए मैं ये स्विमिंग वाली ड्रेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे से इन्जॉयमेंट करके आई हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के, और ये कि भाई इनसे पूछा भी गया था कि आपके ब्लॉग के आपके ससुराल वाले नहीं देखते, तो उन्होंने बोला मेरी लाइफ है ये, मैं कैसे भी पहनूँ कपड़े, मैं कुछ भी करूँ तो ये मेरी मर्जी है और ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे जीना चाहती हूँ मैं वैसे जीऊँगी, तो ये इनके विचार हैं। और वहाँ से आने के बाद कुछ टाइम बाद ये अचानक से एकदम से साड़ी पहनती हैं, सर पे पल्लू रखती हैं, और सारा काम जो है वो सर पे पल्लू रख के करती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं बकायदा, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, मेकअप करती हैं, मतलब इंडियन लेडी वाला ही पूरा गेटअप लाती हैं अपना, साड़ी में पूरा मेकअप जो इंडियन लुक होता है वो वाला। तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे इस चीज़ को देख के, मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, इतनी सारी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, बिंदी,
और साड़ी वो भी सर पे पल्ला रख के, और जो भी काम किया जा रहा है वो भी सर पे पल्ला रख के, वो भी इतनी गर्मी में। तो भाई हैरानी है कि अभी इंजॉयमेंट कर रही थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो स्विमिंग की ड्रेस पहन के, शॉर्ट्स पहन के, मतलब ये काफ़ी अच्छे से इंजॉयमेंट कर रही है, और ये घर पे आते ही इनको क्या हो गया है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी जब मैंने इंस्टाग्राम पे जब मैसेज आया और मैंने इनकी वीडियो देखी, सारी चीज़ें मैंने देखी, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन बस ये अजीब लगा कि ये सर पे से ना मतलब पल्ला ही नहीं उतरने दे रही थी। साड़ी एक कॉमन चीज़ है, इतनी सर पे से पल्ला ही नहीं उतरने दे रही थी, कहाँ ये इतनी इतनी अपनी टांगे दिखा रही थी वहाँ पे स्विमिंग पूल में, और मतलब थोड़ा सा भी पीछे भी जा रहा था ना तो बिल्कुल आगे कर लेती थी यहाँ पे, कि मतलब सर के बाल भी नहीं दिख पा रहे थे। तो लोग बहुत ज़्यादा हंसी भी उड़ाई है, कमेंट भी भर भर के आए थे इनके पास, और मुझे भी इस चीज़ को देख के बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने जब व्लॉग स्टार्ट किया तो सारी चीज़ें पहनी साड़ी के बाद, और फिर खाना बनाना दिखाया, फिर घर की थोड़ा सा क्लीनिंग दिखाई, उसके बाद फिर ये बैठती हैं कि लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या एकदम से साड़ी पहन के, टाइटल कुछ और था कि भाई हस्बैंड से इस तरीके से झगड़ा। तो फिर ये बैठ के करती हैं अपने और हस्बैंड की, जो इनके बीच कुछ हुआ है लड़ाई वड़ाई झगड़ा, तो उसके बारे में ये डिस्कस करती हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थे, समझ ही नहीं पाए यार, अगर आपको ये चीज़ें बतानी थी तो आप नॉर्मल कपड़े पहन के भी आके बता सकते थे, लेकिन चलिए साड़ी भी पहन लेते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये सर पे से पल्ला उतरना ही नहीं, और हस्बैंड की बुराई भी कर रहे हो लेकिन सारी चीज़ें पहन के, मतलब चूड़ियाँ पहन कर आई हैं, मंगलसूत्र स्पेशल कैमरे के आगे पहना है, बिंदी बिंदी सब। और फिर तो लोगों ने मतलब एक चीज़ होती है ना कि ये सारा अगर हम कर रहे हैं तो हस्बैंड की तारीफ़ करेंगे, यार मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, देखो मैं वहाँ गई तो कैसे भी ड्रेस में पहनूँ तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आज मैंने ऐसे पहना है। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे सारा सिंगार करके ये हस्बैंड की बुराई करने बैठी थी। तो वो चीज़ें सारी लोगों को हजम नहीं हुई, तो बहुत सारे भर भर के इनके पास कमेंट आए। फिर दूसरे दिन भी इन्होंने ऐसे ही किया, साड़ी पहनी, पल्ला वल्ला सर पे रखा, फिर मतलब वही टाइटल कि हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, और मतलब कब तक सहूँ, अब नहीं सहूँगी। तो भाई लोग जो हैं वो बातों को हजम नहीं कर पा रहे थे, लोगों ने कहा जो हस्बैंड हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को इतने सालों से अपने साथ रखा हुआ है, तुम कभी भी नहीं जाती हो ससुराल, वहाँ पे कुछ नहीं करती हो, और वो एक बेटा बन के तुम्हारी माँ को संभाल रहा है, जहाँ भी यहाँ तक कि घूमने जाते हो तो माँ को साथ लेके जाते हैं। और तो और ये देखो, जब ये अभी आगरा गए थे और वहाँ पे जब इन्होंने स्विमिंग की ड्रेस पहनी हुई थी और ये इंजॉयमेंट कर रहे थे दोनों स्विमिंग पूल में, तीनों इनकी बेटी ये सब, तो इनकी माँ इनकी वीडियो बना रही थी। तो देखिए और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा, कि मतलब कहीं घूमने भी गए, एक चीज़ होती है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हस्बैंड वाइफ एक कि भाई कहीं घूमने गए हैं तो अकेले बिताए वो पल, लेकिन वो साथ लेके गए थे। तो अगले दिन भी जो इन्होंने साड़ी पहनी तो पता नहीं लोगों ने क्या कमेंट किया कि भाई काम वाली बाई जैसी साड़ी पहन ली है, और ये क्या नाटक लगा रखा है साड़ी पहन के, वहाँ पे तुम टांगे दिखा रही थी, वहाँ पे तुम स्विमिंग की ड्रेस में इतनी इतनी शॉर्ट्स तुमने सब पहना हुआ है, और यहाँ पे तुम सर पे से पल्ला नहीं उतरने दे रही हो। तो किसी ने बोला मतलब कमेंट में ये भी था कि शायद इनके ससुराल से, तो भाई ससुराल वाले तब क्या आँखें मीच के बैठे थे जब ये स्विमिंग की ड्रेस पहने हुई थी या ये शॉर्ट्स पहन के रहती हैं, तो समझ नहीं आ रहा था लोगों को। लोगों ने बहुत कुछ बोला इनको कमेंट्स में, फिर इनका एकदम से गुस्सा फूटा और इन्होंने वीडियो बनाई कि थोड़ा सा लोगों को मौका दो। भाई लोगों ने मौका दिया था, आप पहली वीडियो में जो आपने सिंगार कर कर आके साड़ी पहन के बैठी थी तो आपने एकदम से बुराई शुरू करी हस्बैंड की, आप उसमें ये कह सकती थी कि भाई कुछ भी कह सकती थी, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई लाना ही यूट्यूब पर है, सभी ये सिर्फ एक व्यूज़ का खेल है और कुछ नहीं है, क्योंकि हर दूसरी यूट्यूबर यही कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो लोगों के माइंड में ये थे कि इतना अच्छा हस्बैंड एकदम से कैसे बदल गया, ऐसा कैसे हो गया, जिसने आज तक कुछ चूँ तक नहीं करी वो इतनी बड़ी बात हो जाएगी इन दोनों के बीच में कि ये माँ के घर चली जाएंगी, और ये एकदम से स्विमिंग ड्रेस से या फिर शॉर्ट से सर पे पल्लू रख के साड़ी में आ जाएंगी। तो ऐसा बंदा वो नहीं है कि उसने कुछ कहा हो और ये वैसा कर ले, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी, और ना ही ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में थी, तो वही सारी चीज़ें उन्होंने कमेंट्स में रखी, इनको आ गया गुस्सा। तो भाई आप कुछ भी कह सकती थी कि भाई मेरे हस्बैंड, जैसे कि इनके हस्बैंड जाते रहते हैं बीच बीच में तीन तीन चार चार दिन के लिए, कि भाई मेरे हस्बैंड गए हुए हैं कहीं और मैं माँ के पास आ गई, रहने तो तुम्हारे ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठते। और जाहिर सी बात है अगर तुम्हें भारतीय नारी बनना ही है, जैसा कि तुमने बोला कि साड़ी पहनना मेरा राइट है और साड़ी हमारा मतलब एक बहुत प्यारा सा
ड्रेस है, मतलब इंडियन लुक की वाली ड्रेस है और उसे पहनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैंने ऐसे कौन सा गुनाह कर दिया साड़ी पहन के? जी मैडम, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है साड़ी पहन के, लेकिन लोगों को जो हजम नहीं हो रहा ना वो ये हो रहा है, 4-5 दिन पहले आप स्विमिंग ड्रेस में होती हैं, शॉर्ट्स में होती हैं, आए दिन जब अपने घर की क्लीनिंग करते हुए भी दिखाती हैं तब भी आप शॉर्ट्स में ही होती हैं ज़्यादातर, और फिर एकदम से कि आप साड़ी भी पहनो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो कि आप सर पे से पल्ला ही नहीं उतरने दे रही थी और थोड़ा सा इधर से भी खिसक जा रहा था ना तो आप आगे ला रही थी इस तरीके से जैसे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन करती है, तो वो सारी चीज़ें लोगों के माइंड में थी और वही लोगों को जो है कमेंट करने पे मजबूर कर रही थी, वो आप ही ने मजबूर किया है लोगों को कमेंट करने में, अगर आप ऐसा नहीं दिखाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आपके घर में, फिर आपने बोला कि मेरे ससुराल से कोई आया हुआ था, मैं कैमरे में नहीं दिखा सकती उन्हें कि चुपके से कैमरा लगा दूँ या आगे पीछे कैमरा लेके घूमूँ, तो ज़रूरत भी नहीं थी। आप सूट जैसे आप सूट पहनती हैं, जैसे अब भी पहन रही हैं 2 दिन बाद लोगों के कमेंट के बाद, तो आप उस पर भी हल्का सा सर पे पल्ला रख सकती थी, हम भी रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये आप लोग जो करते हो ना, ये ड्रामा खुद ही क्रिएट करते हो कि लोग आपको क्वेश्चन करें, लोग आपको निगेटिव क्वेश्चन करें, फिर आप उस पर वीडियो बनाएं, फिर थोड़ा सा आप सस्पेंस भी दिखाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यूज़ के लिए होती हैं, क्योंकि हर दूसरी यूट्यूबर यही कर रही है। और आप लास्ट में जो एक पॉइंट बोलूँगी ना, आप उस चीज़ को मान लेना, जितनी भी बड़ी बड़ी यूट्यूबर कामयाब है ना, आप खुद देख लेना, ये ससुराल से बहुत दूर रहती हैं, बहुत कम इनका आना जाना होता है या ना के बराबर होता है, अलग अपने हस्बैंड बच्चों के साथ ही खुश रहती हैं और बहुत अच्छे से व्लॉगिंग करती हैं, कभी भी किसी टाइम कहीं भी जाना हो आराम से ये सारे काम कर लेती हैं, कुछ भी दिखाना हो कुछ भी पहनना हो ये सारी चीज़ें मतलब उस तरीके से करती हैं। उसके बावजूद जब इनको व्यूज़ चाहिए होते हैं और जब कुछ बुराई करनी होती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मतलब इतना अच्छे हस्बैंड मिलने के बावजूद कि इनको मतलब अलग ले जाते हैं शादी के बाद ही और पूरी फैसिलिटी देते हैं, अच्छे तरीके से इनको घुमाना फिराना, खाना पिलाना, कपड़े पहनाना, मतलब सारी चीज़ वो करते हैं, उसके बावजूद फिर ये बुराई करने बैठ जाती हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए ही, और हस्बैंड का सामने आके कुछ भी ना बोलना तो साफ साफ दिखाता है कि हस्बैंड मिले हुए हैं, पैसा आता हो किसको बुरा लगता है, लेकिन भैया इस तरीके से कि भाई पब्लिक पागल नहीं है कि तुम इतना प्रेम दिखा रहे हो, तो आजकल तो भाई ये भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हो गया है कि इतना बड़ा चढ़ा के प्रेम दिखाते हैं ना कि भाई मेरे हस्बैंड से अच्छा दूसरा हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता, वो मेरी इतनी केयर करता है कामों में भी हर चीज़ में मतलब, और फिर जब बुराई करने बैठते हैं तो फिर भैया उससे हस्बैंड से बुरा कोई है ही नहीं। तो जितनी भी यूट्यूबर हैं कामयाब सब अलग रहती हैं, उसके बावजूद ये देखो ये संस्कारी बहू हैं, उसके बावजूद ससुराल वाले बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो यही सब इनका है, सिर्फ पैसे की माया है। तो भाई पैसा आता हुआ किसको बुरा नहीं लगता, चाहे वो कैसे भी कमाया जाए, पब्लिक कुछ भी बोले, जब पैसा मोटा मिल रहा है, क्योंकि इनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ जाते थे और व्यूज़ अब इनके जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, इन्होंने हर तिकड़मबाजी लगा के देख ली है, तो अब लास्ट में इन्होंने देखा कि भाई अब जो YT पे है यही चीज़ चल रही है तो क्यों ना मैं भी इसी चीज़ को दिखाऊं। और आप देख लेना कुछ दिन में, जब तक अभी ये कुछ दिन चलेगा, क्योंकि थोड़े से व्यूज़ इनके बढ़ गए हैं इस चीज़ को दिखा के, और अभी थोड़े दिन ये हस्बैंड वाइफ का ड्रामा चलेगा, लड़ाई झगड़ा, और कुछ दिन बाद फिर कि इतना प्रेम, जैसे अभी आपको पता ही है लखनऊ वाली का, वो अब ट्रिप पे भी जा रही हैं, अभी तक उनके डिवोर्स होने वाले थे, तो वही सारी चीज़ें इनके में भी होंगी, आप देखते जाइएगा, ज़्यादा दूर नहीं है टाइम। तो इनका जो एक पल्ला रखने का स्टाइल था ना, आप खुद ही सोचिए कि एक 4-5 दिन पहले आप मतलब बहुत अच्छे से दिखा रही हैं स्विमिंग ड्रेस में, फिर आप एकदम से साड़ी पहन के, मतलब पल्ला अगर थोड़ा सा पंखे की वजह से, जैसे पंखा चल रहा था और साड़ी का कपड़ा दूसरा था, मेरा तो कॉटन है, तो यूँ भी जा रहा था ना, तो यूँ मतलब इस तरीके से पूरा यूँ मतलब करे जा रही थी वो मतलब साड़ी को पल्ले को। तो भाई आप खुद ही बताइए कि एक तरफ पब्लिक आपको देख रही है स्विमिंग की ड्रेस में, दूसरी तरफ आपको पब्लिक एकदम से सर पे ढक के, पब्लिक को मौका देते हैं आप लोग, पब्लिक अपने आप से कुछ नहीं बोलती है, पब्लिक अगर कोई क्वेश्चन कर भी रही है आपकी वीडियो को देख के, तो भाई वो चीज़ें आपने दिखाई हैं इसीलिए वो क्वेश्चन कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की छोटी सी मेरी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को मेरी बातें सही लगी होंगी, सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और जब तक इस तरह के ये जो पहले वाले ड्रामेबाज व्लॉगर्स हैं, न्यू क्रिएटर्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको इस तरह की तिकड़मबाजी लगानी नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर आप लोग जो कहते हो ना कि भाई ये रिएक्शन देना वो देना,
भाई आप लोग जब इस तरह का वो दिखाओगे तो हमारा रिएक्शन देना बनता है, क्योंकि ना तो हम उसमें निगेटिव टाइटल डालते हैं, निगेटिव थंबनेल लगाते हैं, ना ही उसमें अंदर कुछ गलत दिखाते हैं। तो जब तुम जैसे ऐसे ड्रामेबाज लोग हो YT पे और व्यूज़ कम होते ही कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते हो तो रिएक्शन देना बनता है। वैसे कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कल मेरा व्लॉग्स आए, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, एक रूटीन होता है, फिर जब ये लोग तो दिखाते हैं, इतना सा जुकाम भी हो गया ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं आप लोगों के बिना रह नहीं सकती और मेरी आदत बन गई है, ये मेरा काम है भाई, वो मुझसे नहीं होता सच में, आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दुख रही हैं और काम इतना ज़्यादा हो जाता है घर में, देखिए बाहर का भी है, घर का भी है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, लेना, फिर दूध लेके आना, सब्जी लेके आना, बहुत सारे काम हैं, और उसके बावजूद एक बॉडी ही है वो थक जाती है, क्योंकि अपने लिए हाउसवाइफ पूरे काम कर लेगी लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी जब मैं दवाई लेके गई थी, मेरे को भी थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, तो मैं वो दवाइयाँ खा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि कल मैं अपना व्लॉग ज़रूर लेके आऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।